कलीसियाई इतिहास के अंदर मसीही लोग जो रहे 2000 सालों में, उन्होंने इस बात को माना कि यीशु मसीह उस समय तक वापस नहीं आएगा जब तक परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर वापस से बनाना लिया जाए। इसलिए वो बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर के नकारात्मक हो गए। इसलिए मसीही लोगों ने बाइबल की भविष्यवाणियों को छोड़ दिया और इसीलिए कलीसियाओं में आज की तारीख में भी बाइबल की भविष्यवाणियों का प्रचार नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी तो यीशु के आने में बहुत समय बाकी बचा है, लेकिन जो बीते 2000 सालों में नहीं हुआ वो आज हमारे समय में होने जा रहा है। परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर बना हुआ था, जिसको रोमन सेना ने ढा दिया था, तोड़ दिया था, बाइबल की भविष्यवाणियों में बताया गया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का वो मंदिर जो है वो यरूशलेम के अंदर वापस से बनाया जाएगा। और कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप चाहें तो उसको नोट कर लें, हम उनको पढ़ेंगे नहीं। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 27वें वचन में दानियल ने इस बात को बताया कि अंत के दिनों में परमेश्वर के मंदिर में वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी। यानी दानियल ने संकेत दे दिया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। मत्तीरचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 15वें वचन में यीशु ने दानियल की भविष्यवाणियों को लिया और यीशु ने कहा कि जैसे दानियल भविष्यवक्ता ने कहा था, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में देखो तो यहूदिया से भाग जाओ। यानी यीशु ने भी संकेत दे दिया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाए। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन में पौलुस ने बताया था कि परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा और उस मंदिर में वो शैतान का अवतार बैठ करके उस मंदिर को अशुद्ध कर देगा। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 1 और 2 वचन में इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर वापस से बनेगा। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में याकूब कहता है कि परमेश्वर दाऊद के गिरे हुए तंबू को वापस से उठा करके खड़ा कर देगा। दाऊद का तंबू जो कि परमेश्वर के मंदिर का प्रतीक हुआ करता था। यहेजकेल उसका 37 अध्याय 26 से लेकर 28 वचन के अंदर इस बात को बताया गया है, खुद परमेश्वर ने कहा कि मेरा पवित्र स्थान एक बार फिर से यहूदियों के बीच में बनाया जाए। और आज इज़राइल को बने हुए 70 सालों का समय हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में भी परमेश्वर का मंदिर जो है वो यहूदी लोग नहीं बना पाए। यहूदी लोग बीते 2000 सालों से जब भी दिन में 3 प्रार्थना करते आए हैं, तो जब भी बीते 2000 सालों में यहूदियों ने 3 दिन में प्रार्थना करी, तो हमेशा वो ये प्रार्थना करते हुए आए कि काश तेरी ऐसी मर्जी हो जाए कि मंदिर का हमारे ही जीवन काल में फिर से निर्माण हो जाए, काश तेरी ऐसी मर्जी हो जाए। लेकिन परमेश्वर का मंदिर 2000 सालों से अस्तित्व में नहीं आया। मसीही लोग इंतजार करते रहे कि कब यहूदी मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज इज़राइल को वापस से बने हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का मंदिर अस्तित्व में नहीं आया। और इसका कारण यह है मेरे प्रियो कि जिस जगह पर परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान बना हुआ था, परमेश्वर का मंदिर 3 में बना हुआ था, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और भारी आंगन। और जिस जगह के ऊपर परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान बना हुआ था 2000 साल पहले, आज वहां पर मुसलमानों का एक पवित्र स्थान पाया जाता है और जिसको डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए यहूदी लोग जो है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पा रहे और इसीलिए परमेश्वर का मंदिर बनने में देर पर देर होती चली। लेकिन आज से कुछ साल पहले
इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यहूदी हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर आशेर कॉफमैन। मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुने, क्योंकि इसके बाद जो बातें मैं आपको बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो मसीह विश्वासियों ने 2000 सालों से नहीं देखा उसको हम अपनी आंखों से आज देख रहे। प्रोफेसर आशेर कॉफमैन जो इज़राइल के अंदर है, एक बड़े विद्वान, उन्होंने बीते समय पूरे मोरिया पर्वत का विश्लेषण किया, यहूदी ग्रंथों का अध्ययन किया, बाइबल का अध्ययन किया, और अपने अध्ययन में प्रोफेसर आशेर कॉफमैन जो थे वो इस निष्कर्ष में पहुंचे कि परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान जो था वो इस इमारत की जगह पर पाया ही नहीं जाता। और प्रोफेसर आशेर कॉफमैन ने कहा कि परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम के अंदर बना हुआ था वो पूर्वी फाटक की सीध में पाया जाता था, और ये इमारत जो है वो इस पूर्वी फाटक से 330 फीट उत्तर दिशा के अंदर पाई जाती। और उन्होंने इस बात को बताया कि बाइबल भी इस बात को बताती है और यहूदी ग्रंथ भी इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान जो था वो पूर्वी फाटक की सीध में बना हुआ था। ये पूर्वी फाटक जिसको आज यहां पर आप देख रहे हैं, ये वही पूर्वी फाटक है जिससे यीशु ने गधे पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश किया। ये वही सुंदर नाम का फाटक है जहां पे पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को चंगाई प्रदान करी थी। और प्रोफेसर आशेर कॉफमैन ने बताया कि परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान उस इमारत की जगह पर पाया ही नहीं जाता, और उन्होंने इस बात को बताया कि जिस जगह के ऊपर ये इमारत आज बनी हुई है वो भारी आंगन का क्षेत्र जो मंदिर का हुआ करता था वहां पर ये इमारत आज बनी हुई। और भारी आंगन का क्षेत्र जो हुआ करता था वो अन्य जातियों का स्थान कहलाया करता था, वहां तक अन्य जातियां आ सकती थी। और इसलिए प्रोफेसर आशेर कॉफमैन ने कहा कि वैसे भी भारी आंगन का क्षेत्र जो था वो अन्य जातियों का स्थान था, इसलिए वो अन्य जातियों को ही दे दिया जाए और परमेश्वर का मंदिर केवल दो भागों में, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के रूप में मोरिया पर्वत पे उस इमारत के पास ही वापिस से बना लिया जाए। और सारे ब्लूप्रिंट्स जो है वो इज़राइल के अंदर तैयार किए जा चुके हैं कि परमेश्वर के मंदिर को केवल दो ही भागों में इज़राइल के अंदर बना लिया जाए, और बाहरी आंगन का क्षेत्र जो कि अन्य जातियों का स्थान हुआ करता था वो अन्य जातियों को ही सौंप दिया जाए। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि प्रकाशित वाक्य में आज से 2000 साल पहले यूहन्ना ने इस बात को लिख दिया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर सिर्फ दो भागों के अंदर ही बनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय पहला और दूसरा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पहला और दूसरा वचन, और मुझे लक्की के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को तो तू नाप ले, लेकिन मंदिर के बाहर का आंगन जो है, बाहरी आंगन जो है उसको छोड़ दे, उसको मत ना, क्योंकि वो तो अन्य जातियों को दे दिया गया है। और आज इज़राइल के अंदर सारे यहूदी रब्बी जो है, इज़राइली सरकार जो है, वो इस बात को लेकर के एक मत हो चुके हैं कि परमेश्वर के मंदिर को केवल दो ही भागों में यरूशलेम के अंदर बना लिया जाए। और 98% यहूदी अब इस मत में आ गए हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर को बनाकर ही दम लेंगे। और ये 2012 में यहूदी रब्बियों की जो परिषद है
उसने एक वीडियो संदेश पूरी दुनिया के लोगों के लिए जारी किया और उस वीडियो संदेश के द्वारा यहूदी रब्बियों ने यह संदेश दिया कि आज इज़राइल का बच्चा बच्चा जो है वो परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए तैयार हो चुका। आप इस वीडियो क्लिप को देखें जो 2012 के अंदर यहूदी रब्बियों के द्वारा जारी की गई थी कि इज़राइल का बच्चा बच्चा अब परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए तैयार हो चुका।
विश्वासियों के सामने, मसीही विश्वासियों के सामने ये नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। पहली बार मंदिर को बनाने की सारी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। कलीसिया इतिहास में पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। और नए मंदिर के तीसरे मंदिर के पहले महायाजक का चुनाव भी 2005 में इज़राइल के अंदर किया जा चुका है। और रबी नकमन कहना, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट रबी इज़राइल के अंदर पाए जाते हैं, उनको नए मंदिर के पहले महायाजक के तौर पर इज़राइल के अंदर उनका चुनाव किया गया। 2000 सालों में पहली बार परमेश्वर के मंदिर का महायाजक जो है उसका चुनाव किया गया है हमारे समय में आकर के। और जब रबी नकमन कहना का चुनाव महायाजक के तौर पर इज़राइल के अंदर किया गया, और उसी शाम को रबी नकमन कहना जब महायाजक के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो रबी नकमन कहना से ये पूछा गया कि क्यों आनंद फानन में रबियों की परिषद ने नए महायाजक का चुनाव किया। और रबी नकमन कहना ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम सारे रबियों ने बीते समय पुराने नियम की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया है, और हम सब रबी एक मत होकर के इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे हैं कि मसीह के आगमन का समय जो भविष्यवाणियों में बताया गया है वो समय जो है वो अब हो गया है, और इसीलिए आनंद फानन में नए महायाजक का चुनाव किया गया है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वो महायाजक ही होगा जो जाकर के मसीह का वेलकम करेगा, उसको लेकर के यरूशलेम में आए। और उन पत्रकारों के बीच में एक मसीही पत्रकार भी बैठा हुआ था, और जैसे ही उस मसीही पत्रकार ने इस बात को सुना तो उस मसीही पत्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया, और उस मसीही पत्रकार ने कहा कि रब्बी मैं भी कुछ पूछना चाहता। और जब वो खड़ा हुआ तो उसने रब्बी नकमन कहाना से कहा कि रब्बी मसीह आने नहीं वाला है, लेकिन मसीह तो दूसरी बार इस संसार में आने वाला है। और रब्बी नकमन कहाना जो थे उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और रब्बी नकमन कहाना ने कहा कि मेरे दोस्त, जिस दिन मसीह इस संसार में प्रकट होगा तो वो पहला व्यक्ति मैं ही होगा जो जाकर के मसीह से मुलाकात करे। और उन्होंने कहा कि जब मैं मसीह से मिलूंगा तो पहली बात जो मैं उससे पूछूंगा वो ये पूछूंगा कि मुझे बताओ कि आप इस संसार में पहली बार आए हो या आप इस संसार में दूसरी बार आए। और यदि उसने बोल दिया कि मैं इस संसार के अंदर दूसरी बार आया हूं, तो मैं इस संसार का सबसे अभागा इंसान अपने आप को समझूंगा कि मैं उसे कभी भी पहचान ही नहीं पाया। रबी नकमन कहना के ये शब्द हम सब के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि हमको तो पता है कि यीशु ही मसीह है, और उसके बावजूद यदि हम अपने जीवन को यीशु से दूर रखते हैं तो उस दिन रब्बी कहना के समान हम भी अपने आप को इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान समझेंगे कि हम यीशु को कभी भी पहचान ही नहीं पाए। लेकिन आज नए मंदिर के पहले महायाजक का चुनाव जो है वो किया जा चुका है, और हारून के वंश को भी आज ढूंढा जा चुका है। जब रोमन सेना ने यरूशलेम का विनाश किया तो जितने भी हारून के वंश के यहूदी लोग थे उन सब को भी रोमन सेना ने यरूशलेम से निष्कासित कर दिया, और 1900 सालों तक पूरी दुनिया में बिखरे रहने के बाद किसी भी यहूदी को नहीं पता था कि कौन सा यहूदी हारून के वंश का यहूदी है। और जब इज़राइल 1948 में बन गया तब भी किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा यहूदी हारून के वंश का यहूदी है। और यदि परमेश्वर के मंदिर को वापस से बना भी लिया जाता तो मंदिर में सेवा करने वाले जो याजक हुआ करते थे वो हारून
के वंश के याजक हुआ करते थे, लेकिन हारून का वंश का ही किसी को पता नहीं था। और यहूदियों ने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी कि प्रभु तेरा मंदिर बनाना है, हारून के वंश को कैसे खोजा जाए। और जब यहूदी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान कर दिया। इजरायली सरकार को एक यहूदी साइंटिस्ट मिला, एक जेनेटिक साइंटिस्ट मिला जो खुद हारून के वंश का यहूदी था, और उसके पास उसकी 2000 साल पुरानी वंशावली मौजूद थी जो बताती थी कि वो साइंटिस्ट जो है वो हारून के वंश का व्यक्ति है। और उसके बाद इजरायली सरकार ने एक वैज्ञानिकों की टीम बना दी और उस व्यक्ति का, उस यहूदी साइंटिस्ट के ब्लड का सैंपल लिया गया। और जब उसके ब्लड का डीएनए टेस्ट वैज्ञानिकों की उस टीम ने किया तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि उसके खून के अंदर एक ऐसा सेल पाया जाता है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के खून में पाया ही नहीं जाता है, यहां तक कि यहूदियों के खून में भी वो सेल नहीं पाया जाता है। और उस सेल का नाम उन्होंने कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप रखा। और उसके बाद इजरायली सरकार ने यह आदेश जारी किया पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदियों के लिए कि सारे यहूदियों का ब्लड टेस्ट किया जाए, और जिस जिस यहूदी के खून में वो स्पेशल सेल पाया जाए उस यहूदी को इज़राइल वापस बुला लिया जाए और परमेश्वर के मंदिर के लिए याजक की ट्रेनिंग उसको देनी शुरू की जाए। और जब वो ब्लड टेस्ट किए गए तो 28,000 यहूदी मिले जिनके खून के अंदर वो स्पेशल सेल जो था वो पाया जाता था। और इजरायली सरकार ने उन सबको इज़राइल बुला लिया और यरीहो के अंदर याजकों की सेमिनरी का स्थापना की गई और 28,000 याजकों को ट्रेनिंग दी जानी शुरू हुई। और आज हमारे समय में 28,000 याजक तैयार हैं कि परमेश्वर का मंदिर यदि आज बना दिया जाए तो उसमें सेवा कार्य करने के लिए 28,000 याजक तैयार हैं, और अगले 28,000 याजकों को आज ट्रेनिंग दी जा रही। वही चिन्ह जो पौलुस ने कलीसिया को प्रदान किया, पौलुस ने कहा था कि परमेश्वर के मंदिर को में बैठ करके जब वो शैतान का अवतार खुद को परमेश्वर के रूप में प्रकट करेगा तो समझ जाना कि यीशु मसीह आने वाला है। और 2000 सालों से मसीही लोग इंतजार करते रहे कि कब यहूदी मंदिर बनाएंगे, कब यीशु का वापस आना होगा। और आज कलीसिया इतिहास में पहली बार हम समय के उस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए हैं जब वो नामुमकिन जो है वो मुमकिन होने जा रहा है, परमेश्वर का मंदिर वापस से तैयार होने जा रहा है, यीशु मसीह वापस आने वाला, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी बनकर तुम प्रार्थना में अब सचेत हो जाओ। पत्रस ने कहा आज हमारे लिए प्रार्थना में सचेत हो जाने का समय आ गया है। चाहे कोई कितना भी प्रचार कर ले कि यीशु मसीह अभी नहीं आने वाला है, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां पुकार पुकार के इस बात की गवाही दे रही है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। जो चिन्ह पौलुस ने कलीसिया को दिया वो हमारी आंखों के सामने अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ चुका है। यीशु मसीह कैसे इस संसार में वापस नहीं आएगा,